हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भगवान कौन है। सिंपल टॉपिक है बट बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत लोगों के अनुसार अलग अलग सेक्ट, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजन अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे ग्लोब में आप जाओगे, क्रिश्चियंस, ज्यूज, या फॉर एग्जांपल इस्लामिक पीपल, हिंदूज, नहीं, या सिख कम्युनिटी, जैन, मतलब अलग अलग लोग कहते हैं ठीक है हमारे भगवान अलग है। बट ये क्या हो गया? मैं कोई वो थोड़ा ना दे रहा हूँ कोई पॉलिटिकल स्पीच, इसको थोड़ा कम कर लो ट्रैवल को। ऐसे थोड़ा ना मेरे बोलने से दुनिया बदल जाएगी। सो ये क्या कर दिया इसने, इको बढ़ा दिया क्या? हरे कृष्णा ठीक है, एको बढ़ा दिया किसी ने, एको कम करना है। आदित्य यू शुड सी एको एंड देन रिड्यूस इट, डोंट जस्ट प्ले अराउंड विद बटन्स। सो इसीलिए ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी, क्योंकि बेकार है ये तो, पीछे सुनाई दे रही है ना। सो ये जो ये तो अलग अलग धर्म अलग अलग भगवानों की बात करते हैं और फिर लड़ते हैं। That's how it goes. आजकल सिचुएशन तो ऐसी ही है। सो भगवान कौन है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बिना ये समझे भगवान कौन है हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। ऊपर से जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, वो तो चलो उसको तो उनको बोलते हैं मोनोथीस्टिक, एक भगवान। हमारे हिंदुइज्म में तो बहुत सारे भगवान हो जाते हैं, फिर वो भी गड़बड़ है। कोई कहते हैं कृष्णा, कोई कहते हैं शिव, कोई दुर्गा, कोई ब्रह्मा, वो भी एक प्रॉब्लम है बहुत सारी। तो इसलिए क्या हो गया, आजकल जो यूथ्स हैं वो सब नास्तिक बन गए हैं। अगर भैया कोई किसी को पूजा कर रहा है, कोई किसी को पूजा कर रहा है, कोई उसके नाम पर लड़ाई कर रहा है, कोई उसके नाम पर लड़ाई कर रहा है, ये सब छोड़ दो, दिमाग खराब होगा। बेटर है कि अपने लाइफ में जो करना है करो, पैसे कमाओ, कैरियर बनाओ और खुश रहो। नहीं, दैट्स आजकल ये चल रहा है। नहीं तो सब लोग सब लोग नास्तिक बन गए हैं। तो नास्तिक क्यों बन गए, एस्पेशली जो नौजवान पीढ़ियाँ हैं, क्यों बन गए? उनकी गलती नहीं है, बट गलती किसकी है? अगर आज के लोग नास्तिक बन रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे, तो गलती किसकी है? गलती उनकी तो है नहीं, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है। तो आप कहोगे गलती समाज की, वेल समाज की भी क्या गलती है, समाज को भी नहीं पता क्या कुछ भी चीज़ें, किसी ने अपनी किताबें नहीं पढ़ी हैं सही से। मुझे नहीं लगता किसी हिंदू ने गीता पढ़ी होगी, या किसी क्रिश्चियन ने अपनी पूरी बाइबल पढ़ी होगी, वो तो असंभव है। क्योंकि क्रिश्चियन अगर कहते हैं हमने बाइबल पढ़ी है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसने अपनी न्यू टेस्टामेंट पढ़ी होगी, ओल्ड टेस्टामेंट तो क्वेश्चन ही नहीं है, वो पढ़ ले, इतनी बड़ी बाइबल है वो पढ़ते भी नहीं। आप किसी भी क्रिश्चियन से आके पूछो बाइबल पूरी पढ़ी है, इम्पॉसिबल है। किसी इस्लाम, किसी मुस्लिम ने कुरान पढ़ी है, वो हो सकता है, क्योंकि वो लोग मतलब आजकल मतलब 90% जो मुस्लिम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको कुरान बाय हार्ट याद है, क्योंकि उनके उनमें ट्रेडिशन है। सारे बच्चे बचपन से कुरान पढ़ते हैं और रट्टा मारते हैं, वहाँ पे पहले से होता है उनके ट्रेडिशन, कैसे कहेंगे उनका परंपरा, वर्ड से ठीक नहीं, सिंपल वर्ड, उनका कल्चर या उनके समाज में ऐसा है, प्रचलन है। जैसे उनके स्कूल्स होते हैं, कौन से होते हैं, मदरसे, तो बच्चा हर बच्चा रट्टा मारता है, वैसे भी हर बच्चा नमाज पढ़ता है। तो नमाज तो चलो अलग चीज़ हो गई, बट मैक्सिमम लोगों को कुरान बाय हार्ट याद होती है। सो पढ़ते हैं बट समझते कितने, वो बात अलग है। रट्टा तो मार लेते हैं, बस समझते हैं, वो बात कितने अलग है। अब क्योंकि अगर सारे लोग समझ लेते अपनी कुरान,
तो फिर इतना सारा इस्लाम को लेके इतना आधा हवा में क्यों चल रहा है कि इस्लाम ये मरवाता है, टेररिज्म और ये वो हज़ार चीज़ें चल रही हैं। नहीं आजकल तो, और पता नहीं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है यहाँ पे लोगों ने? नहीं नहीं पढ़ी। मोस्टली कहाँ पढ़ी होती है गुरु ग्रंथ साहिब? पूरी तो नहीं पढ़ी होगी। गुटका होता है यार। हाँ वो जो जपजी साहिब पढ़ते अच्छा हैं, जब जी साहब। पूरी गुरु ग्रंथ साहिब किसी ने नहीं पढ़ी। उसकी लैंग्वेज ही समझना मुश्किल है, पुरानी लैंग्वेज है गुरु ग्रंथ साहिब की। ओरिजिनल जो लैंग्वेज है आजकल चेंज है, पंजाबी नहीं, वो टेक्निकल गुरु ग्रंथ साहिब है। सो वो भी किसी ने नहीं पढ़ी। सो अपने ग्रंथ लोगों ने पढ़े नहीं है। हमारे हिंदू में तो चलो पढ़ ही नहीं सकते सारे ग्रंथ, वेद ही इतने बड़े, चार वेद हैं, 18 पुराण है, वेदांत सूत्र है, महाभारत है, पढ़ कैसे लोगे आप? वो ख़त्म ही नहीं कर सकते हिंदुइज्म में तो इसलिए किसी किसी भी जो भी अपने को धार्मिक कहता है, जो भी कुछ फॉलो कर रहा है, उसने अपनी किताबें नहीं पढ़ी। कुछ लोगों ने तो पढ़ी नहीं है, कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहते, कुछ लोग पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इतने ज़्यादा किताबें हैं। सो क्या करें फिर? तो कैसे निष्कर्ष पे आए भगवान कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यही नहीं पता लगेगा भगवान कौन है, तो भक्ति किसकी, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ किसकी, क्या करना है क्या नहीं करना, तो लोग क्या करते हैं, 90% लोग नास्तिक बन जाते हैं भाड़ में जाए। जो बाकी 10% बचे वो कहते हैं यार जो अच्छा लग रहा है वो कर लो। मोस्टली कहते हैं ठीक है भाई, सॉरी उस 10% से 5% लोग कहते हैं जो अच्छा लग रहा है कर लो भाई, भावनाएं जहाँ जुड़ी हैं जुड़ जाओ। उस 5% लोग हैं जहाँ पैदा होते हैं वही करने लगते हैं भी, उस फैमिली में पैदा हुए तो हम वो फॉलो करेंगे भी, इस्लाम में पैदा हुए तो इस्लाम करेंगे, हिंदू में पैदा हुए हिंदू करेंगे। वैसे तो बस ऐसे ही करते रहते हैं बस, ठीक है चलो जो बचपन से कर रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है क्या बदलना है, क्यों बदलना है, उनको कोई ज़रूरत नहीं लगती बदलने की। और शायद मेरे ख्याल से इसी को अंधविश्वास भी कहते हैं, नहीं आई थिंक सो। जहाँ पैदा हुए वही करते रहो बिना सोचे समझे, वो तो फिर हमारे हिसाब से तो चीटिंग रिलीजन है। नहीं धर्मा प्रोजित कई तो वो अत्र निर्मत सरो सताम, अंधविश्वास इसी को कहते हैं। सो इसलिए इसीलिए जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं संसार में, उनको बोलते हैं थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस मतलब होता है जो कि सोच समझ के करना चाहते हैं कुछ, जो कि शास्त्रों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शास्त्र बोल क्या रहे हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे कोई भी किताब हो, धार्मिक किताब, जो 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 धर्म फॉलो करते हैं वो कहते हैं किताबें भगवान ने ही हमें दिए हैं ना, डायरेक्टली भगवान ने ही प्रकट की हैं किताबें, ठीक है। तो उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, और समझने के बाद फिर कुछ निष्कर्ष पे आके उसको फॉलो करते हैं। अब एक बात ज़रूर समझनी पड़ेगी हमें कि सारे ग्रंथ बात एक ही बोल रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बात अलग भी बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग अलग नहीं बोल रहे, कुछ अलग चीज़ें भी हैं और सेम चीज़ें भी हैं, और वो नेचुरल है भाई। आप कुछ चीज़ें तो सेम है, अगर आप सारे ग्रंथ पढ़ोगे दुनिया के और समझने की कोशिश करोगे, पढ़ तो सकते नहीं, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स किसी के पास जाना पड़ेगा जिसने थोड़ा बहुत थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है। इसलिए इसलिए टीचर्स की ज़रूरत होती है। नहीं स्पिरिचुअल लाइन में टीचर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, खुद कितना पढ़ लोगे और खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे गूगल पे जाके, तो क्या मैं एक एक व्यक्ति से बात कर रहा था अमेरिका में, ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो वो साइंटिस्ट था तो उससे बात कर रहा था, तो वो कह रहा था यू नो पहले साइंस की बात कर रहे थे हम, फिर घूम फिर के वो रिलीजन पे आ गया। उसने कहा यू सी देखो भाई ऐसा है कि सारे धर्म अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग भगवान है, ये तो सब ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने तो पढ़ी है किताब, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी है, वो बिल्कुल अलग कह रहे हैं, वो बिल्कुल अलग कह रहे हैं, जो भी है वो कह रहा था। तो मैंने कहाँ से पढ़ी है तुमने? तो गूगल से पढ़ी, गूगल से उठा के कुछ पढ़ लिया। तो अब पॉइंट ये है कि हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवे उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम गूगल तत्वादर्शिना, ऐसा नहीं है। गूगल नहीं है, ऐसा नहीं, गूगल के पास जाके सीखो, गुरु के पास जाके सीखो, एक टीचर के पास जाओ। और टीचर भी कैसा होना चाहिए? टीचर भी वो होना चाहिए जो आप पे अपने आइडियाज थोपे ना, जो टीचर आपको अपने आइडिया थोपेगा वो टीचर गलत है। तो टीचर आपको सोचने पे मजबूर करे वो अच्छा टीचर है।
तो टीचर आपको आंसर नहीं दे, टीचर आपको क्वेश्चंस दे लाइफ के, वो अच्छा टीचर है। क्योंकि आजकल पता है आजकल लोगों को, चलो भगवान कौन है, भगवान कौन प्रश्न है, एक उत्तर नहीं है। एक अच्छा टीचर आपको प्रश्न देगा, भगवान कौन है। एक अच्छा टीचर आंसर नहीं देगा, भगवान ये है, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर, अगर एक मास स्केल पे प्रीचिंग कर रहे हैं हम। और आपको आपसे पूछेगा ओके आप क्या कहते हैं, फिर उसके बाद रिसर्च करो, फिर उसके बाद बताएगा आपको, गाइड करेगा, ठीक है ऐसे ऐसे करो। सो इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ओके लेट्स, चलो एज्यूम करते हैं कि हमने सारी किताबें पढ़ ली, सारे ग्रंथ पढ़ ली, बाइबल भी पढ़ी हमने, कुरान भी पढ़ी हमने, वेद भी पढ़े, गीता भी पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ी, सब पढ़ा हमने, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या कहते हो? मान लीजिए आपने सब पढ़ लिया तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? एक एक हो सकता है कि आप आगरा के पागलखाने पहुंच जाओ, सब पढ़ लिया क्या ऐसा होगा क्या? क्योंकि भाई सब लोग कहते हैं, हिंदू कहते हैं अलग बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, वहाँ क्रिश्चियन मुस्लिम लड़ रहे हैं, वहाँ अब तो ये बहुत एजेंडा चला है खालिस्तान का, वो भी चल रहा है, कितना सब कुछ चल रहा है दुनिया में, और सबके सब कह रहे हैं कि हम अपनी किताब से बोल रहे हैं, नहीं यही कह रहे हैं ना, हमारा ग्रंथ है कह रहे हैं। आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए तो क्या होगा? अगर सब अलग अलग ही कह रहे हैं, आपने सब पढ़ लिया समझने के लिए, तो क्या होगा? एक अगर सब अलग अलग कह रहे हैं तो आप आगरा के पागल खाने पहुंच जाओगे, है नहीं? अब ये क्या कह रहे हैं, सब अलग अलग कह रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है आप बिल्कुल नास्तिक बन जाओगे, सब बकवास है, ये कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, भाड़ में जाए सब कुछ। तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरा चीज़ हो सकता है कि हो सकता है कि आपको सारे ग्रंथों में एक ही चीज़ दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें तो सेम ही है। अगर आपने सारे ग्रंथ पढ़े हैं किसी गाइड के साथ रहकर, किसी गाइड के साथ रहकर, वैसे बिना गाइड के भी आप पढ़ लोगे, अगर आप रेल में पढ़ लोगे ना बिना गाइड के भी, तब भी आपको पता लग जाएगा कुछ चीज़ें सेम है, मगर आपको सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक श्लोक वहाँ से पढ़ लो, मतलब तो हाँ तो कुरान से आपने दो तीन सूरा तो कुरान के श्लोकों को क्या बोलते हैं, सूरा आयत, आयत बोलते हैं, सूरा वैसे तो चैप्टर्स होते हैं, आइडियली चैप्टर्स होते हैं। कुरान का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? चलो छोड़ो कुरान, तो क्या पूछोगे आपसे, वेद का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, पहला वेद कौन सा है? हाँ ऋग्वेद, उसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? दैट्स इट। बाइबल का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? वैसे आपको मुझे पूछना पड़ेगा कि न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट पहला चैप्टर कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? पता नहीं। सो अब अगर आप खुद ही पढ़ लोगे ना सब, खुद भी पढ़ लो, सिंसियरली पढ़ लो सारी किताबें थोड़ा टाइम निकाल के, तो पता है आपको, आपको पूरा पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें सेम नज़र आएंगी, बिल्कुल सेम। सारी किताबें एक चीज़ तो बिल्कुल सेम कह रहे हैं, सारी किताबें एक चीज़ तो कह रहे हैं कि भगवान है, ये तो मानते हो, इतना तो कह ही रहे हैं, चलो भगवान उनके जो भी है भगवान है, ये सारी किताबें कह रही हैं, ये तो कॉमन है ना, इस पर तो कोई लड़ाई आई नहीं। दूसरी बात, जो सारे ग्रंथ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें भगवान की बात माननी चाहिए, ये तो कह रहे हैं ना, ये तो कह ही रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए। तीसरी बात सारे ग्रंथ कह रहे हैं पाप मत करो, ये भी ठीक है। अब पाप हम कह सकते हैं अलग अलग, उन अलग अलग नाम है पाप, वो क्रिश्चियन सिन कह देंगे, नहीं और इस्लाम वाले क्या, इस्लाम वाले में पाप को क्या बोलते हैं, हराम कह देंगे, है नहीं, पाप मत। तीसरी चीज़ ये कह रहे हैं पाप मत करो, ये सब सब समान है। चौथी चीज़ कह रहे हैं लोग कि मृत्यु से पहले भगवान को अनुभव करो, ये भी ठीक है। पांचवी चीज़ कह रहे हैं कि संसार, ये संसार नश्वर है, इसमें इंजॉय करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा,
वैराग्य, यहां पे सुख नहीं रखा है। पांचवी चीज सब कह रहे हैं यहां पे सुख नहीं है। सुख कहां है? सुख भगवान के साथ है, ये तो कॉमन है। छठी चीज जो सब कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं है, जीवन का लक्ष्य लड़कियां नहीं है, जीवन का लक्ष्य फॉलोअर्स नहीं है, जीवन का लक्ष्य फॉलोअर्स या व्यूज नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है आपके इंस्टा पे ट्विटर पे, अब वो नहीं है जीवन का। जीवन का लक्ष्य है शांति, ये तो मानते हो, सभी कह रहे हैं शांति। इनफैक्ट बाय द वे हम लोग शांति कहते हैं, क्रिश्चियंस पीस कहते हैं, इस्लामिक लोग क्या कहते हैं शांति को? हाँ वो तो उर्दू वर्ड है, कुरान कहती है शांति का वर्ड है अमन। शांति होनी चाहिए। और क्या सातवीं चीज सब कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य अपने हृदय को शुद्ध बनाना, ये भी सब कह रहे हैं। हम लोग शुद्ध कहते हैं, क्रिश्चियंस प्योरिटी कहते हैं, इस्लाम वाले कहते हैं ईमान, नफ्स, ये शब्द है तो सब। अगर आपने खुद पढ़ लिया ये तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, ये तो सब सेम ही कह रहे हैं, कोई इसमें तो कोई लड़ाई है ही नहीं। तो एटलीस्ट इतना तो हम कर लें लाइफ में, यहां से शुरुआत तो करें। इस ये कहने से बजाय कि नहीं नहीं सब बकवास है, कोई नहीं वो ये वो, मतलब मुझसे वो बंदा एक घंटा बात करता रहा फोन पे अमेरिका से कि यार मैंने कुरान के श्लोक, मैंने कुरान के आयत पढ़ी है, कुरान तो कहती है लड़वाओ, जिहाद सुना है ना सारी चीजें। अब आप किसी भी मुस्लिम से आके पूछो ना, अच्छे मुस्लिम से आके जो कुरान पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में, उनसे पूछो यार आइसिस क्या है? आइसिस पता है ना सबको? पता नहीं आप, पता है ना टेररिस्ट ग्रुप। तो कहते हैं यार हम भी सोचते हैं पैदा कहाँ से हो गया है, हमें नहीं पता कौन कहाँ से आ गए लोग। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट, क्योंकि सारे के सारे लोग मानते हैं कि ये चीज़ सब सेम है। तभी संसार में वर्ल्ड फेथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सुना है आपने? वर्ल्ड फेथ कॉन्फ्रेंस सुना है क्या होते हैं? मैं सारे धर्मों के लोग साथ में आते हैं, पूरे संसार के धर्मों के लोग साथ में आते हैं और साथ में आके बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मीटिंग के बाद सबने एक दूसरे का सर फोड़ दिया, ऐसा नहीं होता कि उसने चक्कू लगा के गला काट दिया, उसने गोली मार दी। अगर सब अलग अलग बोल रहे थे तो एक साथ बिठा दोगे तो पागल ही हो जाएंगे लड़के, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड फेथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और सबके सब आराम से बात करते हैं और सबके सब कुछ कॉमन चीज़ों पर एग्री करते हैं। यहाँ ठीक है जो मैंने छः ऐसा चीज़ें बताई, कहते हैं हाँ भी सही है अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये बेसिक्स है, सारे धर्मों का बेस है ये, बाकी डिटेल्स अलग हो सकती हैं। मान लीजिए हम लोग भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे प्रणाम नहीं करते, हम लोग ऐसे करते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं ऐसे करते हैं ना। और जो इस्लाम वाले हैं वो नमाज ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे करके कुछ करेंगे। पता नहीं सिखिज्म में कैसे करते हैं आप लोग, ऐसी करते हैं जब गुरुद्वारे में जाते हैं ऐसी करते हैं। अलग अलग तरीके हैं प्रणाम करने के, मगर प्रणाम तो उसी को कर रहे हैं ना, भगवान को ही कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें कॉमन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो भगवान है तो सभी मानते हैं, मगर भगवान कौन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। सो अगर आप सारे शास्त्र पढ़ोगे ना तो नाम अलग हो सकते हैं मगर काम एक ही है भगवान का। आप देख लो सारे शास्त्रों में नाम अलग हो सकते हैं। आप सिक्के से मैं कहो एक ओमकार करता पुरुख, क्या उसके बाद क्या हाँ, या निर्वय निर्भव अकाल मूरत अजूनी साहिब है ना, गुरुप्रसाद पहला श्लोक है ना गुरु ग्रंथ साहिब का, वहीं से शुरू हो रही है। ठीक है भगवान को अब एक ओमकार कह दो, हमारे अब इस्लाम में कह दो अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में कह दो ऑलमाइटी, मतलब द फादर ऑफ क्राइस्ट, नहीं ऐसे कह दो। वैसे अगर आप मज़े की बताता हूँ, आप तो बाइबल लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं,
मगर इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल बाइबल हिब्रू में है, ओरिजिनल बाइबल इंग्लिश में नहीं है। आप ओरिजिनल बाइबल पढ़ोगे ना तो उसमें पता है क्या नाम है भगवान का? अल्लाह, एला। क्राइस्ट भगवान को एला कहते थे, फादर, उसी से अल्लाह बना है, सेम नाम है। मजे की बात, ये एला, एला कहते थे। जुडाइज्म में जो 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 ज्यूस की किताब, ज्यूस समझते हो, ज्यूस क्या कहते हैं, हाँ, यहूदी, यहूदी लोग होते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, बट बस सीरिया, ये जो इराक ईरान लड़ाई वड़ाई चल रही है, सीरिया फलस्तीन सब वहाँ पे यहूदी लोग हैं, आप उनकी किताब पढ़ो, वो ओरिजिनल है अरेमिक में। अरेमिक लैंग्वेज होती है, जैसे संस्कृत है ना, हिंदी ऐसे अरेमिक होती है। उनकी किताबों में भगवान का नाम क्या है? एलोहिम। सो एलोहिम से बना एला, एला से बना अल्लाह, एक ही नाम है उनका। तो चलो नाम अलग अलग मान लो, चलो एलोहिम ये नाम अलग अलग हैं, ठीक है, चलो एक ओंकार हो गया, हमारे यहाँ हो गया कृष्णा हो गया, ठीक है, हमने कृष्णा बोल दिया, कुछ लोग विष्णु कहते हैं, नाम अलग अलग, मगर आप काम देखो, काम एक ही है सबका, काम एक ही कर रहे हैं वो। भगवान का काम क्या है? सारे शास्त्रों को भगवान का काम क्या है? क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, सब मानते हैं, ये तो क्लियर है ना, सृष्टिकर्ता। उससे पहले सबसे पहला काम भगवान का क्या है? कृपा करना। यहीं से यहीं सारे ये तो मानते हो, कृपा करते हैं, कृपा तो करते ही हैं। तो अब वैसे आपने सुना होगा सृष्टि, स्थिति और प्रलय, सुना है, क्रिएटर, ऑपरेटर और सभी मानते हैं, सारे रिलीजन में अल्लाह क्रिएटर है, गॉड क्रिएटर है, मेंटेन करते हैं, जजमेंट डे पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, व्हाटएवर इट इज, हम भी यही मानते हैं, सब मानते हैं। काम तो एक ही हो गया, सब पे कृपा करते हैं, वो भी काम एक है, सबको रास्ता दिखाते हैं संसार से मुक्त होने का, लिबरेशन, मुक्ति, काम एक ही है। तो जब काम एक ही है तो नाम से क्या फर्क पड़ता है, समझे? अगर मान लीजिए, मान लीजिए हम कहें कि भी एक व्यक्ति है, उसका नाम है मिस्टर टॉम, फिर एक व्यक्ति है उसका नाम है मिस्टर जॉन, तीसरा है मिस्टर गुप्ता, चौथा है मिस्टर सिंह, अच्छा चार लोग हैं। एक्चुअली चक्कर ये है कि तो चारों लोग क्या करते हैं, ये चारों लोग रिलायंस कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, इनका ऑफिस कहाँ है? ऑफिस एक ही है इनका, कौन सी सीट पे बैठते हैं? एक ही सीट पे बैठते हैं। और करते क्या है? करते कंपनी को मैनेज करते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये चारों एक आदमी है, चार अलग अलग आदमी है? एक ही आदमी के चार नाम है, समझे? तो काम से पता लगता है भगवान कौन है, नाम से नहीं पता लगता। नाम पे तो बेवकूफ लड़ते हैं, इनफैक्ट भगवान का नाम भी भगवान के काम पे आधारित होता है। भगवान का नाम ऐसे नहीं बनता, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान के नाम में भगवान का काम अंदर। जैसे अल्लाह का, अल्लाह का मतलब क्या, किसी को पता है? ऑलमाइटी, मोस्ट पावरफुल, पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, सृष्टि स्थिति प्रलय सब करते हैं। और कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षक, सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं अपने गुणों से। सो ऐसे आप नमाज में 99 नेम्स हैं, उसमें एक एक भगवान का एक नाम है, उसमें लिखा है कि भगवान सर्व आकर्षक है। हम भी कृष्ण ही कहते हैं, भगवान सबको आकर्षित नहीं करे तो भगवान क्या है वो? सो इसलिए अगर आप सारे शास्त्र पढ़ोगे, भगवान का काम, भगवान गुण देखोगे, क्वालिटीज और काम, उससे पता लग जाएगा कि ये बंदा एक ही है जिसकी सब पूजा कर रहे हैं, सेम आदमी है, सेम भगवान है, नाम अलग अलग बोल रहे हैं बस। गुण और कर्मों से इंसान पता लगाते हैं, नामों से नहीं पता लगता। इस संसार में भी तो लोग अलग अलग नाम रख लेते हैं अपना, जो फेक नाम भी तो रख लेते हैं, फेक नाम रखते हैं। तो पुलिस कैसे पकड़ती है? पुलिस देखती है भैया बंदा एक ही पीछे, उसके एक्शंस देखती है ना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये तो सेम ही बंदे की आइडेंटिटी आ रही है बार बार। सो दैट्स द आइडिया। इस तरह से हम सारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो सब एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, सेम भगवान की पूजा कर रहे हैं, नाम अलग अलग कह रहे हैं। बस ओम का मतलब क्या है? ओतम प्रोतम इति ओम। भगवान को ओम क्यों कहते हैं? जो सब जगह सर्वव्याप्त है। भगवान को अल्लाह क्यों कहते हैं? जो सबसे शक्तिशाली हैं।
कृष्णा क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्व आकर्षक हैं, सारे गुण हैं उस पर, भगवान के नाम है और ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ लोगों को भगवान के कुछ गुण प्रशंसा करने का मन करता है, कुछ लोगों कुछ गुण प्रशंसा करने का पड़ता है, उसमें क्या खराब है भैया? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो किसी को उनकी सुंदरता अच्छी लगेगी, किसी को उनकी शक्ति अच्छी लगेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम इसलिए हैं। आप बोलोगे फिर अलग अलग धर्मों में नाम सेम क्यों नहीं है? नाम सेम इसलिए नहीं है क्योंकि लोग अलग अलग भगवान के गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो इस्लाम में वो भगवान को, इस्लाम क्रिश्चियनिटी में भगवान को देखना चाहते हैं सर्वशक्तिशाली, तो उनका नाम अल्लाह रख दिया। हम देखना चाहते हैं भगवान को सर्व आकर्षक, बहुत सुंदर, तो कृष्णा बोलते हैं। वेद और गुरु ग्रंथ साहिब में वो देखना चाहते हैं भगवान को सर्वव्यापी, ओम, तो ओम बोल देते हैं। बात एक ही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी लड़ाई है संसार में धर्म को लेकर, जितनी भी कन्फ्यूजन है, वो इसलिए, वो दूसरे दो कारणों से, या तो अज्ञान, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिना पढ़े अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, गूगल पे थोड़ा बहुत पढ़ के सोचते हैं हमने समझ लिया। अब वो बंदा मुझसे डिस्कस कर रहा था ना एक घंटा, उसने दो तीन श्लोक पढ़, उसने दो तीन आयात पढ़ ली कुरान के, बोलता है यार ये तो लड़ते रहते हो, ये सब है बकवास चीज़ें। तो मैंने कहा अच्छा तू मुझे बता, अगर तुझे अपना ट्रीटमेंट कराना है डॉक्टर से, ठीक है, तू बीमार हो गया, तो तू क्या गूगल पे बीमारी का ट्रीट मेडिसिन दे के ले लेगा? बताओ कौन लेगा? मान लीजिए बीमार हो गए, गूगल में आप बीमारी टाइप करो, उसके मेडिसिन आ जाएगी, खा लो, करोगे? कोई करेगा ऐसा? कितने लोग करेंगे? कोई नहीं करेगा ना, हाँ या ना? नहीं 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 ना, इंटरनेट पे तो सब कुछ है, पता लगा उड़ी जाओ। मोस्टली तो यही होने वाला है, अगर आपने गूगल पे देख के मेडिसिन खा ली तो और बीमार हो जाओगे, है नहीं? डॉक्टर के पास जाते नहीं जाते हो, जबकि सब कुछ गूगल पे है, तो क्यों जाते हो डॉक्टर के पास बता दो? या गूगल पे सब कुछ है तो क्यों जाते हो? तो आजकल तो वो आ गया, हाँ तो चैट GPT आ गया, उसको टाइप करो मेरी बीमारी है, वो आपको ट्रीटमेंट दे देगा, कर लो। अगर ऐसा आता तो सारे हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाते, मगर लोग करते नहीं ऐसा, क्यों नहीं करते बताना, क्यों नहीं करते? हैं, ट्रस्ट नहीं करते ना यार। गूगल तो गूगल है यार, गूगल के मामले में करते हैं, मेडिसिन के मामले में नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? बाकी तो गूगल सही बताता है ना सब, इस यहाँ पे क्यों रुक जाते हो? हैं, क्योंकि जी क्या क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तो नॉलेज है वो तो गूगल, भैया आजकल की जो खिचड़ी बनानी होती है गूगल पे टाइप करता है बना लेता है। सारी औरतें कुकिंग गूगल से तो सीख रही हैं। सास को तो उठा के फेंक दिया, सास की जरूरत ही नहीं है अब तो, पहले गूगल ही होता था तो सास से भैया सीखना है चीज़ें, हज़ार चीज़ें, अब तो टाइप करो ये हो गया काम खत्म। लोग सारा एजुकेशन गूगल से कर रहे हैं, लोग कॉलेज जा ही नहीं रहे, वर्चुअल क्लासेस लेके क्रैश कोर्स करके अपना कुछ कर लेते हैं। वह हेल्थ सेक्टर में नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते, मेडिसिन में छेड़ा छाड़ी नहीं करते, क्यों नहीं करते? गूगल को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पूरे संसार का एक्सपीरियंस है गूगल को, तो सारा नेट पे है, फिर भी नहीं करेंगे क्यों? डॉक्टर ने प्रैक्टिस करी है वो ऐसे थोड़ा। अरे क्योंकि जान का मामला है, पर कुछ उल्टी उल्टी दवाई खा ली, कुछ और हो गया तो आप गए काम से, जान का मामला है ना, इसलिए गूगल पे नहीं करते, जाए सब कुछ वहाँ पर है, शरीर और जान, नहीं यही है ना, सब कुछ होते भी नहीं जाते। ऐसे ही जब आप स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जगत में आते हो तो वहाँ पे, यहाँ तो शरीर की जान का मामला है, वहाँ आत्मा की जान का मामला है, समझे? अब गूगल पे देख के नहीं कर सकते आप, अब नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी लिखा हो वहाँ आपका निष्कर्ष गलत आएगा, आपको किसी जैसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ऐसे किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा आपको, आप पढ़ पढ़ के नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे और गलत चीज़ें हो जाएंगी। तो टीचर आपको बताएगा हाँ भैया किताब पढ़ो, कोई नहीं आप पढ़ो, हम आपको बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, आपको पढ़ने का शौक है पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, आप पढ़ो, और जहाँ कन्फ्यूजन हो पूछो हमसे, तो फिर सही दृष्टिकोण बताएंगे उसको देखने का। सो क्लियर हो गया? तो भगवान कौन है,
सारे धर्म एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, नाम अलग है मगर काम एक ही है, ध्यान रखना। तो भगवान तो कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो वहाँ पे नाम में मत घूमना, वहाँ पे भगवान का काम देखना, कर क्या रहे हैं, उनके गुण देखो, आपको पता लगेगा बंदा बंदा एक ही है, बस सेम ही व्यक्ति की बात हो रही है। इसलिए क्या है, इसलिए जिन्होंने ग्रंथ पढ़े होते हैं सारे, जो धर्म अपने जीवन में फॉलो कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ पढ़े ही हमने, अपने जीवन में फॉलो भी कर रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, फॉलो भी करना होता है ना, बिना फॉलो किए आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। किसी से कुछ पूछना होता है तो हम किसी से कुछ सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं किसी से, हम उसके पास जाते हैं ना जिसने खुद उसको सीखा हुआ है। तो जब हम फॉलो करेंगे धर्म को, जब अच्छी तरह शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी, कि आप दूसरे धर्म वालों को आदर कर पाओगे, पता है आपको, क्योंकि आपको समझ आ गया कि सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं और सब एक ही भगवान को की पूजा कर रहे हैं, या सब एक ही भगवान की वर्शिप कर रहे हैं, सब एक ही भगवान की इबादत कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी टर्म है, मगर सब उन्हीं की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबका आदर करने लगोगे, लड़ाई नहीं करोगे। एक्चुअली अच्छे जो धर्म, अच्छे जो संत होते हैं, अच्छे जो साधु होते हैं, सारे धर्मों का आदर करते हैं, चाहे उनको दिखाई दे रहा होता है कि वो भगवान की जो पूजा कर रहा है अलग तरीके से कर रहा है, हम अलग तरीके से कर रहे हैं अलग तरीके से, मगर काम एक ही हो रहा है, पीछे पूजा ही हो रही है, प्रशंसा ही हो रही है उन भगवान की। इसलिए लड़ते नहीं, वो लड़ते तो मूर्ख लोग हैं। लड़ाई तो देखो इस संसार में दो कारण से होती है, तो अज्ञान या पॉलिटिक्स, बस यही है। लड़ाई इंसान कराते हैं, लड़ाई भगवान नहीं कराते, समझे। अगर ये ग्रंथ भगवान नहीं बोले हैं और भगवान नहीं दिए हैं सारे शास्त्र ग्रंथ जो भी हैं, तो भगवान लड़ाई थोड़े ना कराएंगे। भगवान तो शांति का संदेश भेजते हैं, इंसान लड़ता है अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को यूज़, पॉलिटिकल मोटिव्स कैसे कहेंगे हिंदी में, राजनीतिक स्वार्थ को लेकर पावर गेम करके लड़ते हैं, और धर्म को इस्तेमाल करते हैं अपने अपने एजेंडास को पूरा करने के लिए। यही हो रहा है, आप देख लो, आप जो भी है यही हो रहा है। मतलब जो आपका पीओके है, पीओके क्या है, यही है ना, वो धर्म की लड़ाई नहीं है, वो कश्मीर की लड़ाई है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है वो। श्रद्धा और विश्वास में खोट नहीं होता, लोगों में खोट होता है, समझे, लोगों में खोट होता है। वो क्यों होता है, कुछ लोग अज्ञानी है, कुछ लोग गंदे हैं, गंदे लोग भी हैं, और उनको पता है कि धर्म ऐसी चीज है जिसको पता है, धर्म ऐसी चीज है जिसको इस्तेमाल करके आप उस बंदे से कुछ भी करा सकते हो, बहुत बड़ी पावर है। जो बहुत गंदे लोग होते हैं ना, उनको समझ आ जाता है कि सबसे बड़ी न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा पावरफुल क्या है, धर्म। न्यूक्लियर बम से तो आप एक जापानी उड़ा सकते हो, हिरोशिमा नागासाकी उड़ा सकते हो एटम बम से, मगर अगर आपने धर्म की पावर समझ ली और उसको गलत तरीके से मिसयूज किया तो पूरे संसार को उड़ा दोगे आप। उनको पता है, लोगों को विश्वास है ना लोगों में धर्म का, तो विश्वास को आप मिस यूटिलाइज करके कुछ भी कर लो आप, वो बंदा अपने आप को ही उड़ा देगा, वो दूसरों को क्या उड़ाना है। और धर्म में इतनी पावर है, वो कन्विंस हो जाएगा अभी तू उड़ जा, मतलब आपका जो तो जो आपका बॉम्बे में काम हुआ था, जो क्या ताज क्या था वो, हाँ कब हुआ था, 2008 में, कैसे जो अटैक हुआ था ताज होटल में, अपने आप को उड़ा लिया उन्होंने, राजीव गांधी को जो मारने का अपने आप को तो उड़ा लिया उसने, बॉम्ब लगा के गया था, ह्यूमन बॉम्ब कहते हैं ना, अब वो अपने आप को कैसे उड़ा लेते हैं यार, उसको कन्विंस कर दिया तुम भगवान के लिए मर रहे हो, बहुत बड़ी पावर है। तो उन लोगों को पता है, और वो यूज़ करते हैं गंदे लोग, और फिर लोगों को यूज़ करके लड़वाते हैं, और वो अच्छा है, लोग चाहते हैं कि लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहें और फिर फ़ायदा किसी और को होगा, जो लड़ रहे हैं उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता, फ़ायदा थर्ड पार्टी को हो रहा होता है। और वो क्यों लड़वा पा रहे हैं, इसलिए लड़वा पा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी। चक्कर बहुत बड़ा ये है,
किसी ने ग्रंथ पढ़ा ही नहीं। जैसे तो ऐसे आपके यहाँ गुटका करते हैं जब जी साहब, हमारे हिंदुओं में भी गुटका चलता रहता है, कोई हनुमान चालीसा की ये कोई वो, किसी ने साइंटिफिकली कोई किताब पढ़ी नहीं है ध्यान से। आपको पता है खोटा सिक्का समाज में क्यों चलता है? पता है आपको खोटा सिक्का? पता है मतलब फेक करेंसी, क्या कहते हैं आपके नोट, जाली नोट। हाँ, तो जाली नोट क्यों चलते हैं समाज में बताना? ओरिजिनल की पहचान नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल की पहचान नहीं है। ओरिजिनल को पहचानने के भी मीडिया में आता रहता है, भैया उठा के देखो उसमें ये गोल्डन लाइन होनी चाहिए, फिर उसके बाद पता है ना आपको हजार चीज़ें आती है कि गांधी का वो दिखाई देना चाहिए या नंबर देखो ये वो। अनपढ़ आदमी को कुछ पता ही नहीं, वो क्या देखेगा। तो उसका फ़ायदा उठा के लोग फेक करेंसी चलाते हैं, यही है ना। तो इसलिए अज्ञानता का फ़ायदा उठा के ही लोग सब काम करते हैं। तो जिन्हें कुछ पढ़ा नहीं, पॉलिटिक्स और वो गंदे लोग आते हैं वो समझ जाते हैं और फिर लड़वा के फिर दोनों तो मर गए, फ़ायदा किसी और को हुआ, बस ये है। अब जितनी ये तो छोटे स्केल पे भी हो सकता है, बड़ी बड़ी लड़ाई भी हो सकती है। मतलब आज जो बड़ी बड़ी वॉर्स होती हैं उससे फ़ायदा थोड़े ना किसी कंट्री को हो रहा है, फ़ायदा होता है बैंकर्स को। ये तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी हैं। सो दैट्स व्हाट, इसलिए पता है अगर आप कोई भी शास्त्र कोई भी ग्रंथ ढंग से पढ़ोगे, और ढंग से पढ़ने का मतलब है कि वहाँ पे आप देखो भगवान के गुण क्या है, भगवान के कर्म क्या है, वो जब देखोगे तो आपको पता लगेगा। और चाहते क्या है वो, उनकी इच्छा क्या है, जब आप ये तीन चीज़ें देखोगे सारे ग्रंथों में तो आपको पता लगेगा कि सब सेम चीज़ कह रहे हैं। भगवान की विल, भगवान की क्वालिटीज़, भगवान के एक्शंस, ये तीन चीज़ें हैं बस। क्वालिटीज, एक्शंस, दैट्स ऑल। तो इसलिए प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा, प्रभुपाद जब शिला प्रभुपाद जब बाहर कंट्रीज में गए, प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि हम लोग आपको कन्वर्ट करने आए, कभी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग अपनी किताबें पढ़ें और अपना रिलीजन सही से फॉलो करें। शिला प्रभुपाद ने तो ये मैसेज दिया। So, क्योंकि प्रिंसिपल सब सेम है, अपनी लाइफ परफेक्ट करें और भगवान के पास वापस जाएं। इस संसार में कोई खुश नहीं रह सकता, पहली बात ये। अब चलो, अब ये तो चलो हो गया, अभी तो लेक्चर शुरू ही नहीं हुआ, मगर मैं कुछ और बोलने आ रहा था। बट एनीवे ये ज़रूरी था लेक्चर, क्योंकि अगर मैं सीधा टॉपिक पर आ जाता तो आप कहते यार ये तो बहुत सेक्टेरियन अपनी बात थोप दी इन्होंने, वो अच्छा नहीं है लेक्चर ऐसे देना, गंदी चीज़ है वो। सो ठीक है, तो हम लोग भगवान को क्या बोलते हैं? कृष्णा, कोई खराबी नहीं। वेल, हम लोग अल्लाह भी बोल सकते हैं, हम लोग एक ओमकार भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, हमें तो पता ही है। पर हम कृष्णा बोलते हैं कि हम भगवान की सुंदरता पे फोकस करते हैं, हम भगवान की सुंदरता पे ध्यान लगाते हैं, इसलिए हमें भगवान को कृष्णा बोलना बहुत अच्छा लगता है। सब जो कृष्ण है, अब क्या है चक्कर ये कि हमारे हिंदू में या हिंदुइज्म में बड़े सारे भगवान हैं, यहाँ पे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। चलो वो तो एक बात बड़ी बात हो गई, अगर नौरे में आओ तो कोई कहते हैं कृष्णा है आपके भगवान, कोई कहते हैं शिव है, कोई कहते हैं ब्रह्मा, कोई कहते हैं गणेश, कोई दुर्गा, यही कहते हैं ना, और कोई कहते हैं सभी हैं, कोई कहते हैं नहीं नहीं एक्चुअली वो निराकार हैं और उन्हीं वही हैं, वही सब रूप में आ गए, हज़ार तो खिचड़ी बनी पड़ी है यहाँ। तो रियलिटी क्या है? अब अगर हम सिर्फ हिंदुइज्म पे फोकस करें, अब चलो मैं बाकी धर्मों की बात कर ली, अगर ये हिंदुइज्म में आ जाए तो सही क्या है? तो पहली बात तो आपको ये बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में हिंदुइज्म में भगवान केवल एक ही होते हैं, वो हैं कृष्णा। शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, शिव, गणेश, ये सारे देवी देवता हैं, हम इनको भगवान नहीं मानते, ये लोगों ने फैलाया है। अब बेसिकली अद्वैतवाद जो है कन्फ्यूजन फैला रखी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप वेद पढ़ोगे तो वेद में केवल विष्णु और कृष्ण को ही भगवान बताया गया है। कन्फ्यूजन है पुराणों में, अगर आप पुराण पढ़ोगे तो पुराणों में कहीं शिव को भगवान बताया है, कहीं दुर्गा को, कहीं विष्णु को, कहीं ब्रह्मा को, पुराणों में है, मानता हूँ मैं मतलब मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, है ऐसा। मगर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या है कि भगवान शब्द का मतलब क्या है हमारे जो वेद में, भगवान शब्द का मतलब एक बहुत बड़ा लिया है, छोटा नहीं लिया। भगवान का मतलब है
सुप्रीम है ना, मगर सुप्रीम अलग अलग लेवल पे हर आदमी सुप्रीम हो सकता है। जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे आपके पबरी गांव, आप लोग पबरी गांव से हो ना, कहाँ से हो? पबरा से। ठीक है, आपके पबरा गांव का हेड कौन है? हैं सरपंच है ना, वो आपके पबरा गांव का सुप्रीम हेड है ना, वो जो कहेगा आप करोगे ना, करना ही पड़ेगा। मगर राजपुरा का, राजपुरा का हेड कौन है? एमएलए। क्या नाम है, कौन है? अच्छा, ये आम आदमी पार्टी। हाँ, तो चलो वो है। और पूरी कंट्री का हेड कौन है? मोदी। सो सब अपने अपने लेवल पे ना सुप्रीम है। तो इस हमारे शास्त्र वेदों में बोला है कि कोई किसी भी भगवान कौन है वो डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। पबरी अच्छा, ऐसे मान लीजिए तो जो फैमिली है, तो फैमिली में हेड कौन है? फैमिली में हेड कौन होता है? हैं, पिता दादा। चलो मैं पिता दादा नहीं है, सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह रहे हैं, तो हेड कौन है? हैं, घर का मुखिया कौन है? हाँ मतलब डिपेंड करता है, पब्लिक की आई में हस्बैंड है, घर में वाइफ है। पब्लिक की आई में तो हाँ ये घर में बैठ जा तू, घर में वाइफ है। तो जब भी लड़ाई होती है ना हस्बैंड वाइफ में, तो बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, तो हस्बैंड फाइनली क्या बोलता है? वो वाइफ लड़ रही है, नहीं मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। वो हस्बैंड कह रहे हैं मैं पैसे कहाँ से लाऊं, दिमाग ख़राब कर दिया तूने, मैं मेरी सैलरी 15,000 की, तू गाड़ी मांग रही है। तो कहते नहीं, पड़ोसी गाड़ी लेके आ गया, मेरी नाक कटवा दी तुमने, सब लड़ाई हो गई भयंकर। तो एंड में क्या होगा? एंड में हस्बैंड बोलेगा भैया हे भगवान माफ़ कर दे तू मुझे, यही बात निकलेगी। अपनी वाइफ को लोग कहते हैं भगवान ही बोल देते हैं, कंट्रोल वही कंट्रोल कर रही है ना सब कुछ घर के अंदर, उसी के ऑर्डर से सब चल रहा है। सो भगवान वो है जो कंट्रोलर हैं, जो अपने ऑर्डर से सब चलाते हैं ना। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों को भगवान कह दिया जाता है। तो ऐसे ही जो शिव जी को भगवान बोला है, क्योंकि शिव जी इस ब्रह्मांड का कंट्रोल करते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना संसार भौतिक, इसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको भी भगवान बोल देते हैं। मगर विष्णु और कृष्ण को भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सबको कंट्रोल करते हैं, इसलिए शिवजी को ईश्वर कहते हैं, और या शिवजी को महेश्वर भी कहते हैं। महेश्वर सुना है? महेश्वर महा, क्योंकि क्योंकि एक ब्रह्मा जी भी कंट्रोल करते हैं, मगर ब्रह्मा जी सिर्फ 14 लोगों को करते हैं, शिवजी पूरे भौतिक जगत को कर रहे होते हैं। ब्रह्मा जी ईश्वर, शिवजी भी ईश्वर, और कृष्णा भी ईश्वर, जो कि आध्यात्मिक जगत भी होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। सबको भगवान बोल सकते हो, बट फिर शास्त्र कहते हैं मगर एक बात है, ब्रह्मा ईश्वर है, शिव महेश्वर है, उनके भी ईश्वर, वो उनको भी कंट्रोल करते हैं। और विष्णु कौन है और कृष्णा कौन है? परमेश्वर, जो महेश्वर को भी कंट्रोल करते हैं, समझे? तो इसलिए ऐसा नहीं है पुराणों में कोई कन्फ्यूजन है, पुराणों में भगवान बोला गया है, मगर समझना पड़ेगा किस स्तर पर बोला गया है, वो आइडिया है, तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी आपको। एक एंगल ये पुराणों को पढ़ने का, और भी एंगल्स हैं, बट एक एंगल ये वेदों में क्लियर है, विष्णु सुप्रीम है, वेदों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कृष्ण और विष्णु को ही, विष्णु और कृष्ण एक ही है, बाय द वे एक ही है, वही भगवान बोला गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वेद मोनोथिस्टिक हैं, एक ही भगवान को मानते हैं, बाकी सारे देवी देवता हैं, बाकी सारे ओम तद विष्णु परमम पदम सदा नहीं यदा पश्यन्ति सूर्यः। सूर्य सारे देवी देवता किसकी उपासना करते हैं? विष्णु की, ये ऋग्वेद कह रहे हैं। और उसके बाद एनीवे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये या ओके ऋग्वेद का एक पार्ट है कृष्णोपनिषद। कृष्णोपनिषद में तो क्लियर कह दिया कृष्ण भगवान है। ओम कृष्णो वै सच्चिदानंद कृष्ण आदि पुरुषम कृष्ण पुरुषोत्तम। गोपाल तापनी उपनिषद में कृष्ण को भगवान बताया गया है। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम में
गीता में तो कृष्णा खुद ही कह रहे हैं मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्व, मुझसे ऊपर मेरे से सब कुछ आ रहा है, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्या है वो, क्या है वो श्लोक है, मुझसे ऊपर कुछ नहीं, मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है अर्जुन। शिव ब्रह्मा करोड़ों शिव हो सकते हैं, करोड़ों ब्रह्मा हो सकते हैं, करोड़ों दुर्गा हो सकती है, कृष्ण और कृष्णा ही की हैं सर, क्योंकि वो भगवान अलग अलग ब्रह्मांड में है ना, कंट्रोलर है ना शिव, तो बहुत सारे ब्रह्मांड है, अलग अलग में अलग अलग शिव अलग अलग ब्रह्मा है, कृष्ण एक ही होते क्योंकि वो भगवान है। दैट्स अ पॉइंट देयर। सो अगर आप उपनिषद ऋग्वेद में कुपालतापनि उपनिषद, कठोपनिषद, छांडे का उपनिषद में, ऋग्वेद परिशिष्ट में, हरे कृष्ण सब जगह कृष्ण को और विष्णु को, या विष्णु को भगवान ही बोला गया है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं नारायणस्त्वम, कि हे कृष्ण आप स्वयं नारायण हैं। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे सनातन धर्म में कोई कंफ्यूजन है, इतने सारे भगवान हैं क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने पढ़े नहीं है चीज़ें, इसलिए लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं, अदरवाइज कृष्णा भगवान है, दैट्स ऑल। हम उनके गुणगान गाते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, क्या खराबी है, कोई गलत नहीं है। सो महाभारत क्या है, क्या है वो श्लोक क्या है, आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। वेद आप शुरू पढ़ लो, बीच पढ़ लो, एंड पढ़ लो, सब जगह हरि की गुणगान है, सब जगह हरि के गुणगान है। बाय द वे अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो उसमें भी हरि के गुणगान है, कृष्ण के गुणगान है, गोपियों के गुणगान है। गुरु नानक जी गोपियों के की स्तुति गा रहे, रासलीला के बारे में गा रहे, प्रहलाद की आपके जब जी साहब में प्रहलाद की चर्चा है, चर्चा है विष्णु नारायण कृष्ण की तो चर्चा है। मेरे कितने सारे दोस्त हैं पाठी लोग कहते हैं, तो सारे जो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, भगवान समझ गए। तो भगवान कौन है, सो भगवान कृष्णा है। और अगर भगवान को समझना है तो कैसे समझोगे, भगवान को जानना है तो कैसे जानोगे, अब आप क्या आंसर है बताओ मुझे, भगवान को जानना है तो कैसे जानोगे, सिर्फ ये जानने से काफ़ी है भगवान कृष्ण है, नहीं, अगर जानना है भगवान कौन है तो कैसे जानोगे, उनका हाँ उनका काम, उनके गुण और उनकी इच्छाएं समझ के समझ आएगा भगवान कौन है। अगर आप मंदिर में आ जाओगे कृष्णा भगवान है, झुक के चले जाओगे आपको कुछ पता नहीं लगने वाला, या चर्च में चले गए क्राइस्ट को करके चले, कुछ नहीं पता लगेगा आपके लिए, सिर्फ वो एक बाहर स्ट्रक्चर है, सिर्फ नाम में घूम रहे हो और सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग में घूम रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, एक्शंस और उनकी इच्छाएं, है ना, गुण और इच्छाएं तो सारे धर्म बताएंगे, उनकी क्रियाएं शायद सारे धर्म ना बता पाए क्योंकि कुछ धर्मों में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर इच्छाएं और गुण तो सारे धर्मों में है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन है, वो समझ लो आप, आपको समझ आ जाएगा भगवान कौन है, आपको समझ आएगा कृष्णा कौन है, क्या चाहते हैं हमसे। तो एक्चुअली क्या है, चक्कर ये है कि अल्टीमेटली ये जानना भगवान की इच्छा क्या है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भगवान की इच्छा हमको लेके क्या है, हमसे क्या चाहते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो भगवान की इच्छा भी दो तरीके की होती है, एक तो भगवान की इच्छाएं हैं कि उनकी अपनी इच्छाएं क्या है, दूसरी है कि उनकी वो हमसे क्या चाहते हैं, उसमें वो क्या इच्छाएं है। जैसे आपके माता पिता हैं तो माता पिता की अपनी भी इच्छाएं होती है ना, उनकी अपनी इच्छाएं होंगी भी, मेरी इच्छा है, मगर माता पिता कहेंगे भैया मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, सो दैट्स उसको बोलते हैं विल, व्हाट इज हिज विल, भगवान की इच्छा समझे, और भगवान की क्वालिटीज बस यही है, दैट्स ऑल सिंपल। सो अगर हम ये समझ लेंगे तो हम सही से इसे धर्म को समझ पाएंगे, तो हम सही से इसे अपने धर्म को भी सही से समझ पाएंगे। अगर आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो और सोच कह रहे हो कि हम भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको आपके शास्त्र क्या सिखा रहे हैं कि उनके गुण क्या हैं और उनकी इच्छा क्या है वो समझनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपने धर्म को भी फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने मनोधर्म को फॉलो कर रहे हो, फिर दैट्स ऑल। धर्म को नहीं कर रहे, मनोधर्म समझते हो,
मनोधर्म अपने मन को, आप मन के पीछे जा रहे हो, भगवान के पीछे नहीं जा रहे, कुछ करते जा रहे हो, वह ऐसे ही बस चलता जा रहे हो. सो दैट्स द पॉइंट देयर. एनीवे, हरे कृष्णा. मैं अदर डिटेल्स में ही जाऊंगा, बट एक ओवरव्यू मैंने दे दिया. कुछ पूछना है, कुछ कह रहे हैं, वहीं पर ना. जो गुण है वो तो सेम ही है. मैंने बता दिया, भगवान की जो इच्छा है हमको लेकर सब सेम ही है. चिंतन करे भगवान मुझसे क्या चाहते थे, मैंने पूरी लाइफ किया या नहीं किया, वो यही तो देखेगा. एड मृत्यु के समय रिकॉर्ड तो खोलेगा अपना, भगवान चाहते थे मैंने किया नहीं किया, या मैं कुछ और ही कर रहा था. अगर उसने किया है तो संतुष्ट होगा मन, नहीं किया तो परेशान होगा. और भगवान के जो गुण है वो भी सेम है, उनके गुणों के अनुसार भगवान की स्तुति करे, दैट्स ऑल. भगवान के पास पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपने किताबें नहीं पढ़ी, वही तो मैं कह रहा हूँ. आपने गूगल देखा है, गूगल भी नहीं देखा, टीवी से इधर उधर सुन के बस बैठ गए हैं. किताबें किसी ने पढ़ी नहीं, वही मैं बता रहा हूँ. किताबें पढ़ेंगे यही बताया जाता है, सारे धर्म यही कहते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं. जब धर्म सिखा रहा है पूरे जीवन भगवान का चिंतन करना है तो मृत्यु के समय नहीं करना. या धर्म सिखाएगा पूरे जीवन करना है, मृत्यु के समय नहीं करियो, देख ध्यान रखियो. तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं उठता. सारे धर्म यही कहते हैं. कुरान में आयात हैं कि मृत्यु के समय स्मरण करना है अल्लाह का. बाइबल में है वर्सेस कि डेथ के समय ही भगवान का स्मरण सबसे इम्पोर्टेंट है. सब जगह जुडाइज्म में आप पढ़ लो, सब ओल्ड टेस्टामेंट में, सब जगह. इस्लाम में जो जन्नत के बारे में चर्चा है, उससे ऊपर का इस्लाम में जो जन्नत बोलते हैं, जन्नत और जहन्नुम. अब आप अल्लाह की इबादत करोगे तो जन्नत जाओगे. अब जन्नत क्या है वहाँ पे, एक्चुअली बाइबल में भी बाइबल में जो ट्रांसलेट के इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैराडाइज. यू विल अटेन पैराडाइज. मगर जहाँ तक मेरी रीडिंग है और जो मैंने बात की है स्कॉलर से, जो जन्नत है वर्ड, उसको मिस ट्रांसलेट किया गया है, गलत मीनिंग लिया गया है. वो जन्नत या पैराडाइज वो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, मगर उन्होंने हेवन ट्रांसलेट कर दिया. या वो स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई ये तो आप जाओगे जन्नत, वहाँ पे नूर मिलेंगी और ये सब होगा. ये ट्रांसलेशंस गलत है. वो नूर नहीं है, वो एंजल, वो भगवान के पार्षद हैं. जो जैसे कि जैसे हम वैकुंठ जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे, वहाँ पे भी फीमेल्स हैं और मेल्स हैं, दे आर ऑल डिवोटीज. अब इन्होंने गड़बड़ कर दी है. सो वो ट्रांसलेशन ठीक नहीं है जहाँ तक मुझे लगता. क्रिश्चियनिटी में हेवन भी सेम कॉन्सेप्ट है. या सेम पैराडाइज हेवन, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट. श्रील प्रभुपाद ने तो बोला है कि क्राइस्ट हैज हिज ओन स्पिरिचुअल प्लैनेट. प्रभुपाद ने बोला है वो तो सब जगह कहते. उसमें क्या है, वो तो क्राइस्ट ही रास्ता है भगवान तक जाने का. यहाँ पे भी कहते हैं भाई, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में बोलेंगे भी जो तो जो आपके 10 गुरु हैं वही रास्ता है, ठीक है. हमारे बोलेंगे कि भी रामानुचार्य, मध्वाचार्य, श्रील प्रभुपाद ही रास्ता है, ठीक है. उसमें क्या गलत है, वो तो ठीक ही है ना. ओनली वो तो एक ही बात है, वो समझने वाली बात है और कुछ नहीं है. सारे सारे साधु संत हैं, हमें नॉलेज दे रहे हैं. आप समझो, आप पहुँच जाओ. आप नॉलेज यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है. बस समझना पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है. कई बंदे कोरा पे कबाड़ा मचाते हैं, फिर वहाँ पे वो लिखते हैं ऐसे इस्लाम के बारे में कि काफिरों को मारो, ये सब कुछ इस्लाम. अरे वो किताबें पढ़ी नहीं ना उन्होंने. अच्छा. जितने भी जो टेररिस्ट हैं, इस्लामिक टेररिस्ट कितने हैं, 0.01% है दुनिया में. इस्लाम वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन है, लार्जेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नहीं कहूँगा, लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन है ना. बहुत लोग मुस्लिम हैं. सो अगर मान लीजिए इस्लाम लड़वा रहा होता तो दुनिया ख़त्म हो चुकी होती. तो सबके हाथ में सब बॉम्ब होते, सब उड़ा देते.
ये जो टेररिस्ट जो ग्रुप है सिर्फ 0.01% है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आप अगर मान लीजिए लड़ाई करवानी होती तो भैया उनके घर में भी लड़ाई हो रही होती, सभी वायलेंट होते, ऐसा तो नहीं है। आप जाके देखो, मिलो उनसे, कुछ ऐसा तो नहीं है। जिन्हें किताबें पढ़ी है वो तो है ही, किताबों में तो नहीं लिखा, चीज़ें हैं मगर वो चीज़ें तो देखो भाई, चीज़ें तो गीता भी है, शुरुआत वहीं से लड़ाई से होती है। अब कोई कह दे भी गीता तो पहला चैप्टर ही है कि युद्ध में गीता बोली कि भगवान कह रहे अर्जुन से मारो, तो फिर आज तक किस हिंदू ने बोला है कि भगवान कृष्ण ने मारना सिखाया है? अधर्मियों को मार दो, यही है ना गीता, यहीं से शुरू होती है। किस हिंदू ने बोला है चलो अभी उड़ा दो सारे अधर्मियों को? हमें पता है यार, उस वक्त ज़रूरी था ऐसा बोलना, क्योंकि युद्ध हो रहा था, एक हिस्टोरिकल इतिहास में एक कॉन्टेक्स्ट है नहीं, ऐसे कुरान में भी कॉन्टेक्स्ट है, उस वक्त लड़ाइयाँ हो रही थी, लोग गंदे हो रहे थे, तो उनको मारना ज़रूरी था, वरना वो उनको मार देते, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मारना ज़रूरी था, तो ठीक है, उसमें क्या खराबी है? आप हिस्ट्री हटा के ऐसे कहीं से कुछ भी ले लो, किसी भी ग्रंथ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, पता है, कुछ भी निकाल सकते हो, जो आपकी इच्छा है आप उस इच्छा को रखो और ग्रंथ में गूगल करते रहो और कोई श्लोक मिल जाएगा, फिट हो जाएगा और उसको लेकर आप कुछ भी कर लो, ऐसे ही है बस। किसी भी किताब से कुछ भी निकाल सकते हो आप, बाय द वे आप मेडिकल की किताब पढ़ लो, सर्जरी की किताब में सिखाया है कि भाई स्कैल्पल कैसे चलाना है, मतलब मैं तो कोई डॉक्टर हूँ, सर्जरी किताब में सिखाया है कि स्कैल्पल पता है, स्कैल्पल क्या होता है? नाइफ होता है, नाइफ, जो सर्जन पता है क्या होता है आप लोगों को, क्या होता है गांव वालों, वहाँ सर्जरी करते हैं ना, ऑपरेशन, तो मैं तो डॉक्टर हूँ, हमने तो ऑपरेशन किए हैं, तो अब सर्जरी किताब खोल के पढ़ोगे ना तो उसमें सिखाया है कि चक्कू कैसे चलाना है। सिखाया है, अब चक्कू चलाना नहीं आएगा तो काटेंगे कैसे सही से? तो कोई सर्जरी किताब, तो कोई चोर सर्जरी किताब पढ़ के चक्कू चलाना सीख जाएगा? यार बड़ी सही किताब है, चक्कू चलाना सिखाती है, चक्कू चलाना दौड़ना सिखा रहे हैं भाई, वो तो पार्ट है एक ऑपरेशन का, वो तो जान बचाना सिखा रहे हैं, अब तू उससे सीख लेगा तो हम क्या करें? अच्छा सर्जरी किताब में क्या है, सर्जरी किताब में तो ऑपरेशन की किताबों में तो गांठ लगाना भी सिखाया होता है, गांठ लगाना समझते हो ना, जैसे काट के फिर जब स्टिच जो टाके लगाएंगे तो उसमें गांठ अलग अलग तरीके की गांठ मारनी पड़ती है, तो अलग अलग तरीके की गांठें सिखाई हैं। तो अब कोई किताब तो ये जो होते हैं ना आपके टेररिस्ट और मिलिट्री वाले, उनको अलग अलग गांठें लगानी आनी चाहिए रस्सी में, ऐसे कूदने के लिए अलग गांठ होगी, नो दो लोगों को बांधने के लिए अलग गांठ होगी, अलग अलग गांठें होती हैं, तो कहेंगे यार ये मेडिकल किताबें अच्छी हैं, इनसे गांठ लगाना सीख लो, वो गांठ लगाने वो उसके लिए अलग पर्पस है ना उसका, तो किसी भी किताब से कुछ भी उठा के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज गीता में नहीं कहते कर्मण्य वादे का रस्ते, कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये गीता है। अब यार एक श्लोक है वो पूरी गीता थोड़ी ना है, या कुरान उठा के कह दो मारो उन काफिरों को, एक आयात है, और कब बोली गई है, क्यों बोली गई है ये तो सीख लो, 800 साल पहले बोला गया था, उस टाइम क्या हो रहा था ये तो समझ लो। तो आज किसी भी हिंदू ने आज तक नहीं उठाया मुद्दा कि गीता में भगवान कह रहे हैं अधर्मियों को मारो इसलिए सबको मार दो, ऐसे तो गीता ही बना दे लोगों को टेररिस्ट, कोई नहीं बना, ये लोग समझते हैं, ऐसे जो अच्छे मुस्लिम हैं वो समझते हैं, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया बस। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप तब आते हैं जब उनके पास नॉलेज हाफ होती है, बिल्कुल हाफ नहीं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आते हैं जब पॉलिटिकल एजेंडा होता है, एक्सट्रीमिस्ट सब पढ़ा होता है उन्होंने, पॉलिटिकल एजेंडा होता है तो फिर वो निकालते हैं कुछ और प्रमोट करते हैं और मारते हैं। आजकल तो हर कोई नेगेटिव सोचता है अदर धर्म के बारे में, आजकल तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है, देखो वो धर्म खराब है, ये खराब है, वो खराब है, बहुत ही कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव है, बोलते हैं ये सब। भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया जाए, भक्तिविनोद ठाकुर ने किताब लिखी दत्त कौस्तुभम, भक्तिविनोद ठाकुर उसमें ही लिख रहे हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं है, सही नॉलेज नहीं है और प्रैक्टिस भी नहीं है, कुछ लोग सब पढ़ते हैं मगर जीवन में अप्लाई नहीं करते, पढ़ लिया घर में कुछ और, बाहर पब्लिक में कुछ और, उनको भी कुछ नहीं समझ आता। ये चीज़ें तो तब क्लियर होती हैं जब खुद कोई फॉलो कर रहा होता है और पढ़ रहा होता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं अगर सारे धर्म पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रिंसिपल्स वही हैं और रियलाइजेशन ही वही हैं, जो एक अच्छे मुस्लिम को, जो एक अच्छे क्रिश्चियन को, जो एक अच्छे
इन साधुओं को, संत को, और जो एक अच्छे सिख को जो अनुभव होगा भगवान को लेके, सेम होगा, देखना सेम अनुभव होने वाला है। भूख तो सबको सेम ही लगती है, क्या कहते हो? आपकी भूख अलग है, मेरी भूख अलग है, औरतों की अलग होती है, आदमी को अलग होती है क्या भूख? थोड़ी औरतों को ज़्यादा लगती है, बट फिर भी भूख तो सेम है। थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट सेम है, दर्द भी सेम है। ऐसी भगवान का अनुभव भी सेम होता है, उस अनुभव को बताने के लिए शब्द अलग होते हैं, भाषा अलग होती है। आप पढ़ के देखो, सेम आएगा। मैंने तो सब पढ़ लिया, सब सब सेम चल रहा है, सब सेम चल रहा है। मुझे तो कोई चीज़ अलग दिखाई दी, अलग एक चीज़ दिखाई दी मुझे, उनके पूजा करने का तरीका, वो अलग मुझे ज़रूर दिखाई दिया। ड्रेस अलग दिखाई दी, भाषा अलग दिखाई दी, काम तो वही हो रहा है भाई, अपने आप को शुद्ध करना है, भगवान के गुणगान गाने और इस संसार छोड़ के भगवान के पास जाना है, बस यही है और क्या। अपना जीवन शुद्ध बनाना है, चरित्र अच्छा बनाना है, बस यही है और क्या। मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रहा। जितने भी इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसमें ये देखा जाता है कि जितने सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जैसे 9/11 जिसने किया था, मोहम्मद अता, वो तो है, इसके बाद भी ये इनको इतना क्यों ग्लोरीफाई करते हैं या हीरोइक के लिए? पॉलिटिकल एजेंडाज हैं प्रभु, और कुछ नहीं। मतलब इतना स्टडी भी कॉमन लोग नहीं करते, कॉमन लोग नहीं करते, कॉमन लोग नहीं करते। कॉमन लोग एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट को, जो कॉमन मुस्लिम्स हैं, वो हेट करते हैं। बाय द वे, आप मिले नहीं ना उन लोगों से, वो कहते हैं हमारे नाम बर्बाद हो रहा है यार, ख़राब हो रहा है। कोई नहीं करता अच्छा, कोई नहीं करता। मैंने तो ऐसे मुस्लिम देखे हैं जो मीट भी नहीं खाते, समझे? क्योंकि उनको अपने ग्रंथ पढ़ के समझ आता है, अगर अल्लाह इतने मर्सीफुल है तो हम कैसे मार सकते हैं। नहीं खाते, अच्छे से कम मीट खाते। बताओ आप, जिन्होंने अमृत चखा कहाँ खाते? उनको पता है कि ग्रंथ कह रहा है कि मारना खराब है, जो फॉलो नहीं कर रहे वो खा रहे हैं। पंजाब में सभी खा रहे हैं मीट, और मीट खाने के लिए तो अमृत नहीं चखते, उल्टा भी है, भैया मीट छूट जाएगा। तो सभी ये कह रहे हैं, सब कृपा कृपा की बात कर रहे हैं, रहम की बात कर रहे हैं। तो यार बंदा कैसे किसी को मार देगा? अगर रैली में भगवान के गुण समझ रहा है तो मार ही नहीं सकता। मैंने तो देखे, मेरे फ्रेंड्स हैं, नहीं खाते। आपने, यू माइट हैव सीन सो मेनी मुस्लिम्स, नहीं खाते। वो कहते हैं हम नहीं मार सकते, नहीं होता जब हम लोग सुनते कि इतने खराब हो सकते। हाँ, और क्या, सब यह सब प्रोपोगंडा है, सब ऐसे ही है। और वैसे भी वो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में जाना पड़ता है ना, हिस्ट्री में। वहाँ जो इस्लाम, इस्लाम कहाँ है? इस्लाम आया डेजर्ट में, अरब कंट्रीज़ में, जहाँ पे खाने को ही कुछ नहीं था। ये लोग घूम रहे थे रेगिस्तान में, तो जहाँ पे खाने को कुछ नहीं है तो कुछ तो अरेंजमेंट होना चाहिए खाने का, मीट का। तो वो अरेंजमेंट किया गया था, और कुछ नहीं था। मोसेस भी घूम 40 साल डेजर्ट में घूम रहे हैं मोसेस, ओल्ड टेस्टामेंट। तो वहाँ ने कहा भी ठीक है तुम मीट खा लो, मगर ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, कुछ ऑप्शन दे दी। इसलिए थोड़े ना है कि जहाँ जहाँ खाना वगैरह है वहाँ भी काट कूट के खाते रहो, ये क्या मतलब हो गया? तो गलत हो गया ना। That's all. अगर जीवन देने का अधिकार नहीं है तो जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है, ये शास्त्र कह रहे हैं, नहीं कर सकते आप। ओके, सो कुछ और पूछना है? अदरवाइज हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।